हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू चलिए आज की क्लास बिगिन करते हैं आज हम लोगों ने आज सबसे पहले तो देखिए लास्ट क्लास में हमने एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग फिनिश कर लिया था तो हमें क्या करना चाहिए सबसे पहले एक तो आ, उस चैप्टर को रिवाइज करना चाहिए फिर उसके बाद जब वो चैप्टर रिवाइज कर लेंगे उसके बाद हम लोग आ जाएंगे ट्रिपल बॉटम लाइन पे ठीक है तो शुरू करते हैं जल्दी से उसके रिवीजन के साथ देखेंगे किस तरीके से उसका रिवीजन है एक मिनट रुकिएगा। देखिए, ध्यान दीजिएगा इस चैप्टर को रिवाइज करना शुरू कर रहा हूं एक सेकंड बस आ देखिए कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन दोनों में क्या डिफरेंस था कॉस्ट रिडक्शन जो था वो फ्यूचर के बारे में था और कंट्रोल जो था वो पास्ट के बारे में था कंट्रोल पास्ट मतलब पास्ट में अगर कुछ हुआ है उसको आप नहीं चाहते फ्यूचर में वैसा हो तो आप उसके लिए कंट्रोल करते हैं इसी चीज को हुँ? और अगर आप कोई नई चीज बनाने जा रहे हैं नई चीज करने जा रहे हैं अब आप चाहते हैं कि वो आपकी कॉस्ट आप पहले से ही उसकी रिड्यूस कर दें आप उस पर पहले ही फंक्शन कर रहे हैं वर्क अपॉन work कर रहे हैं कि हमारी प्रोडक्ट बनाने से पहले ही उसकी कॉस्ट या उसके अंदर लगने वाले जो भी एक्सपेंडिचर हैं वो रिड्यूस हो सके तो उसको आप कहते हैं कॉस्ट रिडक्शन मेरे ख्याल से सबको ये बहुत ही आसानी से याद आ गया होगा इसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे और हमने समझा था कि देखिए टारगेट कॉस्टिंग एक टाइप का कॉस्ट रिडक्शन होता है, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं हम लोग वैसे ट्रेडिशनली हम लोग क्या कर रहे होते हैं ट्रेडिशनली हम लोग पहले स्पेसिफिकेशंस वगैरह लेके प्रोडक्ट बनाते हैं एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे पेज 4.13 पॉइंट वन थ्री ट्रेडिशनली हम लोग पहले प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन लेके डिजाइन करके उसके एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालते हैं और उसमें अपना मार्जिन ऐड करते हैं ताकि हमारे पास आ सके टारगेट प्राइस या सेलिंग प्राइस मगर टारगेट कॉस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं हम रिवर्स करते हैं टारगेट कॉस्टिंग में सबसे पहले प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन लेके हम लोग डिसाइड करते हैं कि आखिरकार इस स्पेसिफिकेशन वाले प्रोडक्ट्स के कितने यूनिट्स बिकने चाहिए किस प्राइस पे सेल होने चाहिए फिर हम उसके ऊपर प्रॉफिट डिसाइड करते हैं कि क्या हमारा प्रॉफिट होना चाहिए उसको एडजस्ट करने के बाद मुझे पता चलता है कि मेरी टारगेट कॉस्ट कितनी होनी चाहिए फिर मैं प्रोडक्ट डिजाइनिंग करता हूं और प्रोडक्ट जब डिजाइन करते हैं उसमें कई चीजें सोचते हैं कि खुद बनाए मेक करें या बाय कर लें आइए पेज फोर डैश फोर पे हम कई एनालिसिस करते हैं डीएफएमए मेक और बाय ताकि हम लोग बेस्ट एंड लोएस्ट कॉस्ट पे कंसिडरिंग नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स एज वेल ये प्रोड्यूस कर पाए और ये सिर्फ वन टाइम नहीं होता ये कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट होता है हर साल आप करते जाते हैं मोर ओवर साथ में आप काइजन और लेके चल रहे होते हैं काइजन मतलब स्मॉल इंप्रूवमेंट जो होते हैं कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट जो होते हैं वो अभी हम सीखेंगे तो आपने कहा कि सर टारगेट कॉस्टिंग के अंदर हमारे मेन फीचर्स क्या होते हैं मैंने कहा मेन फीचर्स हमारे एक तरीके का इंटीग्रल पार्ट है हमें कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक्स वगैरह लगानी है लेकिन मेन मेन फीचर्स पे पे नहीं आते हम आते हैं, इस पे आते हम हैं हैं इस कि ठीक है कॉम्पोन क्या होते हैं देखिए हमने पढ़ा था दो चीजें मेन थी वैल्यू एनालिसिस वैल्यू इंजीनियरिंग मेन फीचर्स आप खुद रिवाइज कर लीजिएगा बहुत आसान था वैल्यू एनालिसिस वैल्यू इंजीनियरिंग वैल्यू एनालिसिस और इंजीनियरिंग के बीच में ये डिफरेंस था कि वैल्यू एनालिसिस आपका आपने कहा जो ऑलरेडी प्रोड्यूस हो रहे हैं प्रोडक्ट्स उसकी अगर आप कॉस्ट रिड्यूस करना चाहें कैसे नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को हटाते हुए तो आप उसको कहते हैं वैल्यू एनालिसिस वैल्यू इंजीनियरिंग क्या था आपने कहा कि सर प्रोडक्ट बनाने से पहले अब नया प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं उसके ऊपर आप वर्क अपॉन कर रहे हैं कि इसमें क्या नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज होंगी जिनको हम हटा सकते हैं Even before production, तो आप उसको कहते हैं वैल्यू इंजीनियरिंग से नॉन वैल्यू एडेड एक्टिवीज को एलिमिनेट करना ये होता है. अब, कुछ issues होते हैं वैल्यू इंजीनियरिंग के जो हमने डिटेल में डील किए थे ये इशूज क्या थे ये अच्छे इशूज थे इंपॉर्टेंट इशूज थे हमने समझा था कैन वी एलिमिनेट फंक्शन फ्रॉम प्रोडक्शन प्रोसेस इसका मीनिंग ये था आपने कहा कि सर देखो हर काम कुछ ना कुछ रीजन से होता है ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो भी प्रोसेस आपने सोचा ये तो नॉन एक्टिविटीज़ इसको हटाने के चक्कर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी रिड्यूस हो जाए तो आप जब ये वैल्यू इंजीनियरिंग या वैल्यू एनालिसिस लगा रहे हैं तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी पे इंपैक्ट ना पड़े ठीक है फिर आपने कहा कि सर कैन वी एलिमिनेट सम ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी सेकेंड है कि देखो क्या वैल्यू इंजीनियरिंग से हम डेफिनेटली कुछ हेल्पफुल होता है ऐसा भी कर सकते हैं कि बहुत मिनिमम ड्यूरेबिलिटी या रिलायबिलिटी को रिड्यूस करके भी हम अपना सेम प्रोडक्ट बना दें एग्जाम्पल हमने लिया था एक वैक्यूम क्लीनर का जिसके अंदर मान के चलिए

तो हम उसको करने को रेडी हो जाते हैं लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी वजह से हमारी ड्यूरेबिलिटी या रिलायबिलिटी पे बहुत मेजर इम्पैक्ट देन वी कैन कैन डेफिनेटली डू इट फिर आपने समझा था मिनिमाइज डिजाइन आपने कहा था कि सर ये दो पार्ट हम एक साथ पढ़ते हैं कैन वी डिजाइन द प्रोडक्ट बेटर फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और कैन वी मिनिमाइज द डिजाइन तो आपने कहा कि सर देखिए आप आपकी आपकी हैबिट क्या होती है आप तो चाहते हैं कम से कम पार्ट्स लगे ताकि कम से कम पार्ट्स में हमारी असेंबली हो जाए काम खत्म का तो. मगर होता क्या है जब आप बहुत ज्यादा कई पार्ट्स को एक साथ जोड़ते चले जाते हैं मैंने आपको पार्ट्स दिखाए थे डी एफ एम ए के जब आप बहुत ज्यादा पार्ट्स को जोड़ते चले जाते हैं तो प्रॉब्लम एक आने लग जाती है आपने कहा क्या प्रॉब्लम आने लग जाती है मैं अभी दिखाता हूँ आपको एक मिनट आपने कहा सर क्या प्रॉब्लम आने लग जाती है वो पार्ट्स इतनी आसानी से मिलते नहीं है आपने कहा कि सर वो पार्ट्स आसानी से मिलते नहीं है फैक्ट्री के जो आप बोल रहे हैं हाँ जी वो पार्ट्स बहुत आसानी से मिलते नहीं है आपने तो उसको छोटा करने के चक्कर में आपने सारे पार्ट्स को जोड़ते चले गए छोटे मतलब कंबाइन करते चले गए लेकिन वो स्टैंडर्डाइज मिलते नहीं है जिसकी वजह से आपका अल्टीमेट गोल, गोल है वो रिड्यूस हो जाता है और अल्टीमेट गोल क्या था आपका कॉस्ट रिड्यूस करना अल्टीमेट गोल था वो आपने वो आपका अब फुलफिल नहीं हो पाता मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं याद दिलाने के लिए जैसे यहाँ पे सेवन पार्ट से पहले अब यहाँ पे फोर पार्ट्स है ठीक है तो ये स्टैंडर्डाइज पार्ट नहीं मिल पा रहे जबकि यहाँ पे स्टैंडर्डाइज पार्ट मिल रहे हैं ठीक है डी एफ ए में लगाना चाहिए सब कुछ करना चाहिए हमें स्टैंडर्डाइज पार्ट्स पे भी लेकिन ध्यान रखना चाहिए हमें पार्ट्स को मिनिमाइज जरूर करना है डिजाइन को मिनिमाइज जरूर करना है लेकिन उसकी वजह से हमारी कॉस्ट अल्टीमेटली रिड्यूस होनी चाहिए बढ़नी नहीं चाहिए यहाँ पे मुझे कई जगह ये सब चीज दिख रही है लेकिन आप कहेंगे कि सर हमें ये भी तो देखना है वो पार्ट्स या उसकी वजह से बाकी जो पार्ट्स हैं मार्केट में अवेलेबल हूँ ठीक है तो हमने ये बहुत सारी चीजें इसमें नोटिस की थी जैसे नेल कटर का एक देखिए पहले कटर इस तरीके से होता था इतना थे, अब छोटे से से काम बन गया, लेकिन आप ये कहेंगे नहीं मिलते, तो आप कहते कि सर हम इसी डिजाइन पे रहते ठीक है आपने कहा सही बात है सर सेकेंड चीज हमने समझी थी इसके सिवाय अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज हमने समझी थी और वो क्या थी मैंने आपको समझाया था कि देखो प्रोडक्ट्स को इस तरीके से मैन्युफैक्चर करो पार्ट्स को इस तरीके से मैन्युफैक्चर करो डिजाइन करो कि आपकी गलती के चांस ही ना हो हमने एग्जाम्पल लिया था सेल से बैटरी से कि जो बैटरी होती है वो सीधी और उल्टी नहीं लग पाती कई बार हम में से बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं कि सीधी कैसे लगेगी कि उल्टी कैसे लगेगी और मतलब जो पेंसिल सेल वगैरह होते हैं या बैटरी सेल जो छोटे से बटन सेल वगैरह होते हैं जबकि आप कहेंगे कि सर अगर हम प्रिंटर की कार्ट्रेस देखें वो सीधी ही लगेगी वो उल्टी लग ही नहीं पाती आप कहेंगे कि सर अगर हम अगर हम नॉर्मल यूएसबी देखें वो सीधी ही लगेगी उल्टी लग ही नहीं पाती यूएसबी थ्री फिर मैंने कहा लेकिन आगे हम अब यूएसबी आगे डेवलप होती जा रही है यूएसबी सी उसमें हमने डिजाइनिंग इस तरीके से की चाहे सीधी लगाओ चाहे उल्टी लगाओ दोनों तरीके से चल जाएगा तो आपने कहा कि सर डिजाइन इस तरीके का होना चाहिए ताकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हमारी बेटर हो सके फिर आपने कहा कि सर, कैन वी सब्सटी मतलब आपने कहा कि सर क्या ऐसा पॉसिबल है कि कि हम उन parts को को करके कोई और parts लगा दें? इस चीज करते करते समय, less expensive parts shift करते समय ये याद रखना कि उसकी सप्लाई कंटिन्यूसली फ्यूचर में अवेलेबल होनी चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसको सब्सिट्यूट तो कर दें लेकिन उस चीज की सप्लाई फ्यूचर में अवेलेबल ही ना हो फिर आपने कहा कि सर कैन वी कंबाइन स्टेप्स क्या हम स्टेप्स को कंबाइन कर सकते हैं मतलब आप जो कई कई वर्क कर रहे हैं आप एक वर्क एक कर 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 रहा रहा दूसरा दूसरा रहा है फिर थर्ड परस, थर्ड थर्ड कर रहा है है फिर फिर दूसरा दूसरा इसको हम process center कर सकते हैं मतलब एक ही पूरे काम एक 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 ही 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 पूरे काम साथ 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 करे करे ना हो एक ही साथ सब जगह वो काम कंबाइन कर दे स्टेप्स को एक्सेट्रा इसको प्रोसेस सेंटरिंग कहते हैं तो आपने कहा कि सर ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसकी वजह से आपके आपके कुछ Uh, Q time या कुछ बढ़ जाए ये एलिमिनेट करने में तो हेल्पफुल है definitely, लेकिन इसकी वजह से वो person overload नहीं होना चाहिए उसको proper आपने पहले ट्रेनिंग देनी है और याद रखिएगा इससे क्यू टाइम वगैरह कम होता है लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिवर्स हो जाए आप डैमेज बढ़ा दें या कुछ भी बढ़ा दें जिसकी वजह से क्यू टाइम बढ़ जाए ठीक है फिर आपने कहा कैन वी टेक सप्लायर्स असिस्टेंस देखिए अब सप्लायर जो होता है वो अपने आप में एक्सपर्ट होता है अपने प्रोडक्ट्स का उसके प्रोडक्ट क्या है हमारे कॉम्पोनेंट्स या हमारे रॉ मटेरियल तो हमें उससे उसकी असिस्टेंस लेनी चाहिए कि बताइए हमारे लिए क्या आपका यही वाला रॉ मटेरियल बेस्ट रहेगा या कॉम्पोनेंट बेस्ट रहेगा या हमें शिफ्ट कर देना चाहिए किसी और पे या आप अगर किसी चीज पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आपके हिसाब से क्या पॉसिबिलिटी है कि हमार को भी कुछ बेनिफिट होगा तो आप कहेंगे कि सर हमें सप्लायर की असिस्टेंस लेने में शर्माना नहीं चाहिए फिर इस देर आप बेटर वे आप कहेंगे क्या इसका कोई इससे बेटर वे भी है या इस चीज को करने के लिए इससे भी बेटर वे है आपने कहा कि सर देखिए आपने कहा कि सर इससे बेटर वे है या नहीं इसके बारे में सोच रहे हैं तो आपने कहा कि सर याद रखिए उसको सोचने के लिए हमें शुरू से रीडिजाइन करना पड़ता है एज इफ ये प्रोडक्ट एक्जिस्ट नहीं करता पूरा तोड़ के जीरो से बनाओ तो उसमें डेफिनेटली कुछ बेटर रिजल्ट निकल आता है वही प्रोडक्ट बनता है लेकिन कम रिसोर्सेज से बनता है लेकिन वो बहुत ही रेडिकल चेंज होता है इसीलिए हम लोग कम प्रेफर करते हैं उसको करने के लिए फर्दर हमें काइज़न क्योंकि ये स्लोली स्टेडिली धीरे धीरे थोड़े थोड़े इम्प्रूवमेंट लाता जाता है ओवर टाइम पे प्रोडक्ट पे ऑल ये वन टाइम इम्प्रूवमेंट नहीं लाता लेकिन ये धीरे धीरे कॉस्ट रिडक्शन करता चला जाता है हमारी ठीक है तो याद रखिएगा हमें हमें पूरी वैल्यू चेन के ऊपर इसको लगाना है कोशिश करना है कि सब जगह हमारे चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो चाहे सप्लायर हो सब लोग हमारी हमारा कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक्स को फॉलो करें अप्लाई करें ताकि हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो सके ठीक है प्रॉब्लम्स मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं कि क्या प्रॉब्लम्स थी आपकी टारगेट कॉस्टिंग के साथ कि इसके इसके चक्कर में कई बार डेवलपमेंट प्रोसेस बहुत लंबी हो जाती है आप कहेंगे अः कई बार क्या होता है कि आपस में लोग क्या करते हैं अगर मान के चलिए आप सिर्फ वेल इंडस्ट्रियल स्टाफ से कह रहे हैं इंजीनियरिंग स्टाफ से कि आप इसको रिड्यूस करो आप इसको करो लेकिन फाइनेंस से कुछ नहीं कह रहे आप सेल्स वालों से कुछ नहीं कह रहे तो लड़ाई हो जाती है वो चिड़ चिड़ जाते हैं ऐसे ही सिंपल सिंपल से कंसर्न थे जो हमने डिस्कस किए थे आप लोग प्लीज पढ़ लीजिएगा फिर आपने कहा कि सर ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग रोल भी मैं डिस्कस नहीं कर रहा मतलब मैं मेन मेन टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ इसके ठीक है, चलिए इसके बाद हम आए थे लाइफ साइकिल कॉस्टिंग पे इसके बाद हम आ गए थे किस पे लाइफ साइकिल आपने कहा कि सर, चलो मैं एक काम करता हूं प्रॉब्लम्स मैंने थोड़ी सी डिस्कस कर लिए वो फिनिश कर देता हूं बाकी चीजें आप कर लीजिएगा हाँ जी हमने यहां तक कर ली थी अब थर्ड था देखिए कई बार क्या होता है कंसेंसस आना क्योंकि बहुत सा अब तो क्रॉस फंक्शनल टीम्स हैं तो कंसेंसस आना बड़ा मुश्किल हो जाता है एक डिज़ाइन पे या एक उस पर क्योंकि हर पर्सन की सोच अलग होती है और कोई किसी डिपार्टमेंट का होता है कोई किसी डिपार्टमेंट का होता है वो अपने हिसाब से बोल रहे होते हैं तो आपने कहा कि सर इसलिए कई बार प्रोडक्ट के डिजाइन पे कंसेंसस आना मुश्किल हो जाता है ठीक है जो डिटेल्ड कॉस्ट डेटा की रिक्वायरमेंट है वो कई बार अवेलेबल नहीं होती टारगेट कॉस्टिंग के लिए वैल्यू इंजीनियरिंग के लिए जो डिटेल कॉस्ट डेटा की रिक्वायरमेंट है कई बार क्या होता है हम चीप क्वालिटी प्रोडक्ट लगा देते हैं कॉम्पोनेट लगा देते हैं जिसकी वजह से हमारी टारगेट कॉस्टिंग की वजह से इसको लगाने की वजह से वैल्यू इंजीनियरिंग जो हम कर रहे हैं उसकी वजह से हमारी कॉस्ट एक्चुअल में कम तो हो जाती है लेकिन हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी भी रिड्यूस हो जाती है ठीक है आपने कहा कि सर इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है गुड टीम लीडर जो कि हर फील्ड में बेस्ट हो वो मिलना थोड़ा मुश्किल होता है ये प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी टारगेट कॉस्टिंग की चलिए अब हम आ रहे हैं किस पे लाइफ साइकिल कॉस्टिंग पे मेन अब आ रहे हैं हम किस पे लाइफ साइकिल कॉस्टिंग पे लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्रेडल टू ग्रेव होल लाइफ कॉस्टिंग इसके बहुत नाम है सेवरल नेम है वॉर्म टू वॉर्म कॉस्टिंग अब इसको हम कैसे देखते हैं आपने का किसे थोड़ा बताइएगा मैंने का देखिए एक जो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है ना वो फोर फेसेस में या फोर स्टेजेस में डिवाइडेड होती है एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल आपने कहा किस तरीके से पहला इंट्रोडक्शन सेकंड ग्रोथ थर्ड मेचोरिटी लास्ट इज डिक्लाइन आपने का किस सबसे पहले हम लोग अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट को आप डालें ना डालें हमारे करिकुलम में नहीं मतलब हमारे स्टडी मेटेरियल में नहीं डाला इसीलिए मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो कि मैंने नीचे यहाँ लिखा हुआ है प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज वो नहीं लेके चलता मैं यही फोर स्टेजेस लेके चलता हूँ आपने कहा कि सर फोर स्टेजेस में पहला है इंट्रोडक्शन मतलब प्रोडक्ट को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं थर्ड है, मतलब है, है बहुत, monitor, बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं और रिडक्शन होती जा रही है कॉस्ट की ठीक है आपने कहा ठीक है और लास्ट है डिक्लाइन अब ये मार्केट पूरी तरह डिक्लाइन की ओर जा चुका है लोग सब इस मार्केट के बारे में समझ चुके हैं अब नया प्रोडक्ट आ चुका है बेटर प्रोडक्ट आ चुका है चीप प्रोडक्ट आ चुका है तो लोग इस प्रोडक्ट से शिफ्ट होते जा रहे हैं ठीक है आपको आपको मैंने कई सारे एग्जाम्पल दिए थे मैं हल्का सा आपको ये दोनों कर् याद दिलाता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा याद आए फिर वापस फर्स्ट वाले पे आएंगे मैं हूँ पेज फोर डैश नाइनटीन पे याद रखिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज में सेल्स तो होती नहीं या होती है तो बिल्कुल एंड में आनी शुरू होती ना के बराबर होती ही नहीं बेसिकली तो क्योंकि आपने इंट्रोड्यूस नहीं किया अब आपका अब आपने कहा अब आपने कहा क्या आपने कहा कि सर फिर आप पहुंचे फिर आप पहुंचे किस पे इंट्रोडक्शन स्टेज पे अब देखो प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज में तो सिर्फ कॉस्ट लग रही है प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज में तो सिर्फ कॉस्ट लग रही है आप खर्चा करते जा रहे हैं प्रॉफिट कुछ है नहीं तो लॉस ही लॉस है फिर इंट्रोडक्शन स्टेज में भी आपका लॉस तो चल ही रहा होता है लेकिन धीरे धीरे एट द एंड साइड जब हम आ रहे होते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज पे तो हम रिकवर करने लग जाते हैं और प्रॉफिटेबल सिचुएशन में कन्वर्ट हो जाते हैं फिर इंट्रोडक्शन से जब हम ग्रोथ स्टेज पे आते हैं तो ऑब्वियसली चाहे कॉम्पिटिटर हो लेकिन अब प्रोडक्ट सब लोगों को पता है सब जानते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में इसलिए हम प्रॉफिटेबल सिचुएशन में आ चुके होते हैं अच्छे तक सेल्स भी हमारी बहुत अच्छी जा रही होती है फिर आपने कहा कि सर मेचोरिटी स्टेज पे जब हम आते हैं

किस तरीके के कस्टमर्स होते हैं आपने सर देखिए कुछ कस्टमर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं अर्ली अडॉप्टर कुछ होते हैं मास मार्केट है? तो हमारे को मालूम है मेजोरिटी लेट मेजोर चाहे अर्ली मेजोरिटी हो चाहे लेट और लेगर्ट्स का होता है अर्ली अडॉप्टर्स कम होते हैं ये हम जानते हैं जो कि इनोवेटिव चीज अप्लाई करें जो नई टेक्नोलॉजी के साथ वर्क अपॉन करें वो लोग कम होते हैं ठीक है तो आपने कहा कि सर अर्ली मेजॉरिटी अर्ली मेजॉरिटी में भी शुरुआत के और अर्ली अडॉप्टर्स जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत क्रूशल होते हैं क्योंकि वो हमें अर्न करके दे रहे होते हैं अच्छा खासा अर्ली एडोप्टर्स कौन होते हैं जो किसी भी टेक्नोलॉजी या किसी भी चेंज को नए प्रोडक्ट को अडोप्ट करने को रेडी होते हैं अब अर्ली मेजोरिटी क्या होते हैं उसके ऊपर उससे थोड़ा लेट मतलब आप कहेंगे वो अडॉप्ट तो करते हैं लेकिन थोड़ा सा पॉपुलराइज होने के बाद लेट मेजोरिटी ऐसे लोग होते हैं जो कि जब सब लोगों को समझ में आ चुका होता है उसके बाद वो समझना शुरू कर रहे होते हैं और लास्ट लेगर्ड्स वो सबसे स्लो होते हैं आपने कहा वो कौन से होते हैं मैंने कहा वो ऐसे लोग होते हैं जो कि बिल्कुल बिल्कुल ये कह रहे हैं कि देखो लेगर्ड क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि यार उनको समझ में ही नहीं आ रही चीज और वो अपनी अपने टाइम पे तो बहुत इंटेलिजेंट थे अर्ली मेजोरिटी हो सकते हैं वो हो या अर्ली अडोप्टर हो लेकिन आज की डेट में वो टेक्नोलॉजी को समझना छोड़ चुके हैं वो नए प्रोडक्ट्स पे वर्क अपॉन करना छोड़ चुके हैं जनरली ऐसे सीनियर सिटीजन के साथ देखा जाता है जनरली बट नॉट कम्पल्सरिली ठीक है मेरे एक डिस्टेंट ग्रैंडपा थे डिस्टेंट ग्रैंडपा क्यों कह रहा हूँ मेरी दादी के जीजा मतलब हि डाइडन सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी अब उनके साथ ये दिक्कत वो ऐसे इंसान थे जो कि आप बिलीव नहीं करोगे नाइन्टी की एज थी उनकी अगर आप उनके साथ रेस लगाओगे तो शायद अब तो वो नहीं है शायद वो रेस में जीत जाए आपसे इतने ज्यादा एक्टिव थे इतने ज्यादा एक्टिव उनको कंप्यूटर आता था वो मोबाइल चलाते थे खूब फेसबुक पे एक्टिव थे हर चीज पे तो आप ये कहेंगे आप ये कहेंगे कि सर वो लेगर्ड नहीं थे वो एज होने के चक्कर में बावजूद भी लेट मेजोरिटी में चल रहे थे ठीक है तो आपको एज से मतलब नहीं होता लेगर्ड मतलब जो किस चीज को फॉलो कर रहा है इसके कई रीजन और भी होते हैं सिर्फ एज नहीं कई बार आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते रिसोर्सेज इन द सेंस आप गरीब हैं तो आपके पास रिसोर्सेज नहीं है अब गरीब की डेफिनेशन ये नहीं होती जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है मैं उनकी बात नहीं कर रहा अब देखिए हर पर्सन सब्जेक्टिव टर्म्स में रिलेटिवली गरीब होता है मैं अगर आपसे कहूं फरारी लेनी है तो आप कहेंगे मैं गरीब लेकिन आप तो नहीं है ना तो आपके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है तो आप गरीब हैं आपके पास पास उतने बिल्कुल सही कह रहे हैं आकाश आपने कई सारे एग्जाम्पल दिए सही क्योंकि मैं मैं रिवीजन कर रहा हूं मैं आपके एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूं अगर आपके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है तो आप गरीब हैं और आप वेट कर रहे हैं कि वो रिसोर्स उसकी कॉस्ट कब कम होगी ताकि आप उसमें उसको यूज कर पाए एक एग्जाम्पल एक मैं जब अराउंड फिफ्टीन का था एक्चुअली फोर्टीन का था तो मेरे अनफॉर्चुनेटली फादर का डिमाइस हो गया था तो मैं उस समय इंश्योरेंस वगैरह सेल करता था तो मैं एक रिलेटिव के पास गया डिस्टेंट रिलेटिव थे मैंने कहा चलो मेडिक्लेम सेल करने के लिए कि ये लीजिए मेडिक्लेम मैं आपको सेल कर देता हूँ कुछ कमीशन मिल जाएगा मैं शायद फिफ्टीन ईयर्स का था तो उन्होंने उनको कहीं मेरे साथ जाना उन्होंने कहीं जाना था तो उन्होंने कहा चलो जरा मेरे साथ चल लो अभी रास्ते में तुम मेरे को समझाते जाओ लौटते पे हम कर लेंगे मैं बैठा बाबा आदम के जमाने की उनकी कार थी लेकिन कार थी मर्सिडीज और ऐसा नहीं विंटेज कार हो आप में से कई लोग शायद सोच रहे हो कि सर वो विंटेज कार होगी विंटेज नहीं थी बस उनको ये था मेरे को मर्सिडीज चलानी है तो उन्होंने वो सस्ती जब हो गई बिल्कुल जब गवर्नमेंट ने क्या दिया अब इसको उस समय फिफ्टीन इयर्स का रूल नहीं होता था कि वो तो तो चला रहे थे उन्होंने कहा किसी वहा मर्सिडीज तो चलाने को मिली मैं भी देख के खुश मैंने कहा क्या बात है आज तो मर्सिडीज में बैठे लेकिन मैं बार बार सोच रहा था यार ऐसी कार से अच्छी तो कार्स एट हंड्रेड है मेरे दिमाग में आ रहा था ठीक है ना विंटेज नहीं थी ये बात क्लियर कर दूं कहीं आप सोच रहे रहे विंटेज कार थी और इसीलिए वो चला होंगे मैं थोड़ा सा भैग गया रिवीजन में इतनी बातें नहीं करते सॉरी तो आपने कहा कि सर फेसिस पे आ गए फेसिस में आपने कहा कि सर इंट्रोडक्शन ग्रोथ मेचोरिटी डिक्लाइन तो आपने का इंट्रोडक्शन में आपकी क्या होती है सेल्स बहुत लो होती है कॉस्ट बहुत हाई होती है प्रॉफिट होता नहीं बहुत कम प्रॉफिट या एंड में प्रॉफिट होना शुरू होता है ग्रोथ में आपने का सेल्स बढ़ रही होती है कॉस्ट आपकी रिड्यूस हो रही होती है थोड़ा प्रॉफिट होता है ठीक है आपने का की सर मेचोरिटी मैचोरिटी में आपने का कांस्टेंट सेल है मैचोरिटी में कांस्टेंट सेल है या फिर सेल बढ़ रही होती है तो रिड्यूसिंग परसेंटेज से बढ़ रही होती है और लास्ट डिक्लाइन डिक्लाइन का मतलब आपने कहा कि सर सेल्स रिड्यूस हो रही होती है एनसीआर को छोड़ के मेरे को डाउट है कि, कि किसी और जगह पे ये इयर्स का रूल होगा एनसीआर में है ना कि पुरानी कार्ड भी चला सकते एक मिनट एनजीटी ने रूलिंग दी थी ना शायद 2016 में देखिए अब आपने कहा कि सर अब आपने कहा कि सर देखिए इसकी कुछ करेक्ट्रिस्टिक्स हैं और स्ट्रेटजीज हैं कि कैसे पता चलेगा ये कैसे पता चलेगा कि आप किस स्टेज पे हैं और इस स्टेज के अंदर आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है मैं बहुत तेजी से इसको रिपीट कर रहा हूं और मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपको ये क्रैम करनी है चाहे आपको पसंद आए या ना आए मैं आपको सिर्फ टेबल वाली रिपीट कर रहा हूं ऑल दो आपको ये भी करेक्टरिस्टिक्स याद करनी है नीचे वाली मैं फिर से रिपीट कर दूं मैं सिर्फ टेबल वाली रिपीट करने वाला हूं जबकि आपने क्या करना है मैं पेज फोर डैश नाइनटीन और ट्वेंटी वाली रिपीट करूंगा जबकि ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू पे जो आपको करेक्टरिस्टिक्स और स्ट्रेटेजीज हैं मतलब मैं ब्रीफ में रिपीट कर रहा हूँ बाकी स्ट्रेटेजी भी आपको अच्छे से करनी है। आपने कहा कि सर इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन क्या होता है आपने कहा कि सर क्रिएट प्रोडक्ट अवेयरनेस एंड ट्रायल मतलब जब इंट्रोडक्शन करते हैं तो हम हमारा हमारा क्या होता है हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे होते हैं सेल्स लो होती है कॉस्ट हाई होती है प्रॉफिट नेगेटिव में होता है इनोवेटर ही हमारा प्रोडक्ट परचेस करते हैं और कॉम्पिटेटर बहुत फ्यू होते हैं ग्रोथ स्टेज पे जब जाते हैं मार्केट साइज थोड़ा बढ़ जाता है मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं हम रैपिडली राइज कर रहे होते हैं एवरेज कॉस्ट हमारी कॉस्ट जो होती है एवरेज पे आ जाती है हाई से पर कस्टमर प्रॉफिट राइज कर रहा होता है अर्ली अडोप्टर्स हमारी चीज अडॉप्ट करते हैं और ग्रोइंग नंबर के कॉम्पिटिटर्स होते हैं मेचोरिटी में आपने कहा कि सर हम मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं प्रॉफिट और अपना मार्केट शेयर भी डिफेंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं हमारी सेल्स इस समय पीक पे होती है कॉस्ट हमारी लोएस्ट होती है प्रॉफिट हमारा हाईएस्ट होता है मिडिल मेजोरिटी वाले हमारा एक्सेप्ट कर रहे होते हैं प्रोडक्ट और डेफिनेटली हमारे कुछ दिन में प्रोडक्ट के कॉम्पिटिटर कुछ अभी तो बढ़ रहे हैं लेकिन स्टडी होके फिर रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं डिक्लाइन अब डिक्लाइन की ओर जब हम आ गए तो आपको मालूम है कॉम्पिटिटर बहुत रिड्यूस हो जाएंगे एक्सपेंडिचर हम कम कर देंगे मिल्क अपने ब्रांड का नाम मिल्क करेंगे बस और कुछ नहीं आपकी सेल्स डिक्लाइन हो रही है कस्टमर की कॉस्ट पर कस्टमर की कॉस्ट अभी तो लो है लेकिन धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी आपने कहा कि सर डिक्लाइनिंग प्रॉफिट है लेगर्ड कस्टमर यूज करते हैं और कॉम्पिटिटर कम होते जाते हैं स्ट्रेटेजीज आपने का स्ट्रेटेजीज हमें क्या फॉलो करनी होती है इंट्रोडक्शन स्टेज में आपने का बेसिक प्रोडक्ट ऑफर करते हैं जिस पे जो हम प्राइसिंग कॉस्ट प्लस प्राइसिंग प्राइसिंग या पेनिट्रेशन प्राइसिंग फॉलो करते हैं एडवर्टीजमेंट जो होता है वो बेसिकली प्रोडक्ट अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए होता है अर्ली अडॉप्टर और इनोवेटर के अंदर आपने का डीलर हम ढूंढ रहे होते हैं किस तरीके से सेलेक्टिव जो किसी तरह हमारा बेसिक गुड्स डिलीवर कर सके और आपकी सेल्स प्रमोशन जो होती है वो इस तरीके की होती है लोगों को ट्रायल वगैरह लेने के लिए कि भाई आप हमारा प्रोडक्ट ट्राई करके देखिए ग्रोथ में जब आप आते हैं तो आप कहते हैं कि सर ग्रोथ के अंदर आप ऑफर कर रहे होते हैं प्रोडक्ट की एक्सटेंशन मतलब पहले तो आपने नॉर्मल प्रोडक्ट बेसिक लेवल के फीचर्स के साथ दिया था अब आप प्रोडक्ट के अंदर और फीचर्स दे रहे हैं वारंटी वगैरह दे रहे हैं आप प्राइस को रिड्यूस कर रहे होते हैं अगर स्किमिंग से जा रहे हैं तो रिड्यूस कर रहे हैं कॉस्ट प्लस वगैरह से जा रहे हैं तो आप मार्केट के हिसाब से पेन्यूट्रिशन के हिसाब से जा रहे हैं तो मार्केट के हिसाब से प्राइस को रखते हैं अवेयरनेस बिल्ड करने की कोशिश कर रहे होते हैं में, को करने के लिए. आप इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन आप आप क्या कर रहे होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लेवल को बढ़ा रहे होते हैं क्योंकि अब आप लोग आपके प्रोडक्ट को जान चुके हैं तो आप डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा रहे हैं आपने कहा कि सर रिड्यूस कर रहे हैं हम किस चीज को आपने कहा कि सर सेल्स प्रमोशन को अब क्योंकि आप एडवर्टीजमेंट की ओर बढ़ाएंगे खर्चा सेल्स प्रमोशन की ओर कम करेंगे अवेयरनेस ना क्रिएट करके आप प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करेंगे मेचोरिटी स्टेज में आप प्रोडक्ट के ब्रांड को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर देते हैं आपने कहा कि सर हम इस तरीके का प्राइस रखते हैं ताकि कस्टमर क्योंकि अब कंपटीशन बहुत है उनको छोड़ के हमारे पास आए हम स्ट्रेस करते हैं कि हमारे ब्रांड में क्या डिफरेंस है ताकि आप हमारा ब्रांड खरीदें हम बहुत ही हाई लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा होता है हम चाहते हैं किसी भी तरीके से हमारा प्रोडक्ट बिके और ब्रांड स्विचिंग पे हमारा फोकस होता है जो प्रमोशन होते हैं हमारे वो किस पे फोकस होते हैं कि उसका प्रोडक्ट ना लेके मेरा प्रोडक्ट लीजिए डिक्लाइन फेज पे जब होते हैं तो आपको मालूम है वीक आइटम्स जो है उसको हम फेस आउट करने लग जाते हैं नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करने लग जाते हैं प्राइस को कट करना शुरू कर देते हैं आपने कहा कि सर उन्हीं लोगों को देते हैं जो हार्डकोल्ड लॉयल है उनके लिए हम अपना प्रोडक्ट अभी बंद नहीं करते अच्छा आप आप क्या करते हैं अन आउटलेट्स वगैरह को डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स को बंद कर देते हैं और आप सेल्स प्रमोशन को रिड्यूस कर देते हैं क्योंकि आप कहते हैं नए प्रोडक्ट जो हम लॉन्च कर रहे हैं उन पर सेल्स प्रमोशन लगाएंगे यहाँ पे नहीं ये सब आपने डिटेल में पढ़ना है मैंने आपको पहले ही बता दिया इसके बाद हम आ गए पैरेटो विल्फ्रेडो पैरेटो ने ये इंट्रोड्यूस किया था विल्फ्रेडो पैरेटो ने क्या नोटिस किया था उन्होंने नोटिस किया था कि बड़ी सिंपल सी बात थी 80 ट्वेंटी प्रिंसिपल भी बोलते हैं इसको आपने इसके कई नाम है उन्होंने नोटिस किया था कि 80 परसेंट आउटपुट अगर 80 20 बोल रहे हैं तो 80 क्या है आउटपुट 20 क्या है इनपुट 80 परसेंट आउटपुट 20 परसेंट इनपुट से बन रहा होता है ये हमने एनालाइज किया था रिजल्ट जो है 80 परसेंट किससे आ रहे होते हैं 20 परसेंट एफर्ट से आ रहे होते हैं उन्होंने नोटिस किया था एट्टी परसेंट किस वजह से होते हैं उसके कॉजेस क्या होते हैं ट्वेंटी परसेंट होते हैं तो उन्होंने ये 80 परसेंट ट्वेंटी परसेंट का रूल देखा था और उन्होंने ये भी बोला था हमने हमने रिचर्ड की बुक पढ़ी थी रिचर्ड उन्होंने क्या कहा था उन्होंने समझाया था कि कौन सी बुक थी रिचर्ड कोच की बुक थी एटी ट्वेंटी प्रिंसिपल उन्होंने क्या समझाया था कि देखिए ये जरूरी नहीं है ये एटी ट्वेंटी ही हो टोटल हंड्रेड यावेंटी टेन हो सकता है फाइव फिफ्टीन हो सकता है एटी थर्टी मतलब हंड्रेड से ऊपर भी जा सकता है इट डजेंट मैटर एटी ट्वेंटी कोई फिक्स परसेंटेज नहीं है ये एक टिपिकल परसेंटेज है ये उन्होंने समझाया था ठीक है अब आपने कहा कि सर इसके बाद इसके बाद आपने कहा यूजफुलनेस क्या है एनालिसिस की यूजफुलनेस क्या है आपने कहा कि ये डेफिनेटली हमारे को सेल्स में और बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है मैं इस पर नहीं जा रहा मैं मेन आ रहा हूँ कहाँ कहाँ किस किस सिचुएशन में पैराटो एनालिसिस लगा सकते हैं आपको यहाँ पे समझाया था प्रोडक्ट की प्राइसिंग में क्योंकि आपको पता है आपके 20 परसेंट ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो 80 परसेंट रेवेन्यू ला दे रहे होते हैं तो ऐसे प्राइसिंग को मैनेजमेंट को खुद करना चाहिए बाकी सारे प्रोडक्ट्स को आपको डेलीगेट कर देना चाहिए टीम को कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी जो कस्टमर 80 परसेंट ट्वेंटी परसेंट कस्टमर्स ऐसे हैं जो 80 परसेंट प्रॉफिट ला दे रहे हैं उनको बड़े ध्यान से प्राइस करना चाहिए बहुत ध्यान से उन, उनके प्रोडक्ट्स के को उनके साथ सेल्स प्रमोशन वगैरह लगाना चाहिए उनके कस्टमर प्रोफाइल को बड़ा ध्यान से देखना चाहिए कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सी वगैरह पे फोकस करना चाहिए ताकि यहाँ से हम एक्सटेंशन वगैरह से उसी प्रोडक्ट से ज़्यादा उसी कस्टमर से ज़्यादा से ज्यादा रेवेन्यू ला सकें या उस तरीके के कस्टमर्स को इंक्रीज कर सकें और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी हम अर्न कर सकें एबीसी एनालिसिस आपने इंटरमीडिएट में भी पढ़ा हुआ है कि आपके रॉ मटेरियल में आपको इसी तरीके से लेके चलना है कि कौन सा रॉ मटेरियल ए कैटेगरी का है कौन सा बी कैटेगरी का कौन सा सी कैटेगरी का ये आपको एनालाइज करके चलना है एक्टिविटी बेस्ड एनालिसिस मैंने आपको समझाया था कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर आपको पता है आपके जो 20 परसेंट ऐसे ड्राइवर्स हैं जो ओवरहेड की 80 परसेंट कॉस्ट को ड्राइव करते हैं जिनकी वजह से वो कॉस्ट लग रही होती है तो उनको आपको बड़े बड़े केयरफुली स्पेंड करना है आपको उनको उनके अंदर नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज हटानी है उनको बहुत अच्छे से मॉनिटर करना है ताकि उनकी कॉस्ट एलोकेशन वगैरह में गलती नहीं होनी चाहिए फिर आपने कहा था लास्ट क्वालिटी कंट्रोल आपने कहा था कि सर क्वालिटी कंट्रोल के अंदर आपने समझाया था कि आपको वाइटल फ्यू पे फोकस करना है क्योंकि ये 20 परसेंट ऐसे डिफेक्ट होते हैं जो कि इतने ज्यादा होते हैं 20 परसेंट ऐसे causes होते हैं जिसकी वजह से 80 परसेंट डिफेक्ट आ रहे होते हैं लोग यही शोर मचा रहे होते हैं कि यार मेरे अंदर ये डिफेक्ट आ गया और उनके काजेस सिर्फ ट्वेंटी होते हैं तो उन ट्वेंटी परसेंट कॉजेज पे अगर वर्क कर लो तो एट्टी परसेंट इफेक्ट को आप एलिमिनेट कर सकते हैं ठीक है तो रिचर्ड कोच ने एक केस समझाया था मैं उस केस को डिटेल में जा, जा नहीं रहा हूं लेकिन हल्का सा समझेंगे उन्होंने क्या किया था उन्होंने कहा था कि देखो एक पूरा हमने केस पढ़ा था उन्होंने एक केस लिया था जिसमें उन्होंने 15 सेगमेंट्स के बेस पे वो चले थे प्रॉफिटेबिलिटी के बेस पे उन्होंने निकाला था सबसे पहले उन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी के बेस पे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिया था उन्होंने देखा था कुछ डिविजन्स जो है कुछ सेगमेंट्स जो है लॉस मेकिंग सेगमेंट्स थी तो उन्होंने क्या किया था उन्होंने सबसे पहले सबसे पहले क्या किया था परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया था सेल्स को भी और प्रॉफिट को भी और फिर क्यूम्युलेटिव सेल्स क्यूम्युलेटेड प्रॉफिट निकाल लिया था उन्होंने क्या पाया था उनके में ध्यान याद करिए उन्होंने पाया था दैट यहाँ पे 80 20 प्रिंसिपल ना हो के 82.9 82.9 और 26.3 प्रिंसिपल लग रहा था मतलब 23 6.3 सेल्स जो थी वो इट जो 20 ऐसे प्रोडक्ट्स ऐसी सेगमेंट्स जो कि 26% सेल्स ला रही थी वो 26% सेल्स 83% प्रॉफिट ला के दे रही थी कंपनी का तो हमें उस पर फोकस करना था हमने ए कैटेगरी लिया था फिर बाकी सेकंड को हमने बी कैटेगरी लिया था और लास्ट को हमने जेड कैटेगरी लिया था फिर उन्होंने कहा था सिर्फ पैरेटो के बेस पे एनालाइज करना गलत है आपको एनालिसिस के अंदर मार्केट अट्रैक्टिवनेस मार्केट अट्रैक्टिवनेस और और क्या लेना था कॉम्पिटेटिव पोजिशनिंग को भी लेके चलना है अगर आपको लगता है मार्केट अट्रैक्टिव है और आपको लगता है कि कुछ दिन में आपने क्योंकि जो पोजीशन ली है उसकी वजह से आप मार्केट में लीड करने लगेंगे तो आपको क्या करना चाहिए उसकी वजह से आपके मार्केट शेयर आ जाएगा तो आपको क्या करना चाहिए उस प्रोडक्ट पे चाहे आज प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है लॉस मेकिंग है मे बी फिर भी उस प्रोडक्ट को आपको कंटिन्यू रखना चाहिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसलिए कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है और एबीसी मतलब ये एनालिसिस में लिस्ट में, में आ रहा है उसको बंद कर दो नहीं अगर उसको आपको लगता है फ्यूचर में आपका बेनिफिट आने वाला है तो उसको कंटिन्यू रखिए इसके बाद आपने क्या किया था ये हमारा रिचर्ड कोच की बुक थी हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था फिर हम आ गए थे एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैंने आपको समझाया था कि देखिए इसमें हम लोग एनवायरमेंटल कॉस्ट पे फोकस करते हैं एनवायरमेंटल क्वालिटी कॉस्ट मॉडल के हिसाब से फोर टाइप्स की कॉस्ट होती है जैसे टीक्यूएम में होती है प्रिवेंशन अप्रेजल थर्ड फेल्योर फेल्योर दो पार्ट में आता है इंटरनल फेल्योर एक्सटर्नल फेल्योर प्रिवेंशन बिल्कुल वैसे ही जैसे टीक्यूएम में था आपने कहा कि सर हम कॉस्ट इनकर कर रहे हैं पॉलिसी मेकिंग ट्रेनिंग वगैरह पे प्रिवेंशन है ताकि ताकि आपके एडवर्स इंपैक्ट ना पड़े एनवायरमेंट पे अप्रीजल या जैसे एनवायरमेंटल डिटेक्शन कॉस्ट भी कहते हैं आपने कहा कि सर इंस्पेक्शन ऑडिट या जितनी भी चीजें आप कंडक्ट कर रहे हैं कंटेमिनेशन टेस्ट वगैरह ये चेक करने के लिए कि आप आपका

तो आपने पॉल्यूशन क्रिएट किया अब आपका दो तरीके की चीज होती है या तो आप, आप रियलाइज तो तो एक्सटर्नल ले हम लोग ध्यान ही नहीं देते जो कि सोसाइटी बीयर करती है ठीक है अनरियलाइज या सोसाइटल कॉस्ट को फर्दर आप दो में डिवाइड कर देते हैं जिसको आप कहते हैं एक जनरल पब्लिक एनवायरमेंट एक्सेट्रा और सेकेंड आपने कहा किसी पर्टिकुलर पर्सन वगैरा की प्रॉपर्टी वगैरह का नुकसान फिर हमने समझा था ये बहुत इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बताया था आइडें टेक्निक ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड एलोकेशन फोर टाइप्स की टेक्निक थी फर्स्ट थी इनपुट आउटपुट एनालिसिस सेकंड फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग थर्ड लाइफ साइकिल कॉस्टिंग फोर्थ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इनपुट आउटपुट एनालिसिस में मास बैलेंस अप्रोच लेके चल रहे होते हैं कि कितना हमने इनपुट डाला उसमें से कितना आउटपुट निकल के आया बीच में जो था वो डिफेक्टिव था बीच में जो था वो क्या था आपने कहा कि डिफेक्टिव था अब हम उस डिफेक्ट्स पे फोकस कर रहे होते हैं क्योंकि अल्टीमेटली वो जो रिसोर्सेज थे जो हमने एनवायरमेंट से लिए थे हमने बेकार कर दिए अब क्या कोई तरीका है कि उस उन रिसोर्सेज को हम बेटर वे में यूटिलाइज कर लें जैसे एक एग्जाम्पल अगर आप मैं बहुत सीधी सी बात कह रहा हूं मान लीजिए आप वेजिटेबल खरीद के लाए तो आपने जो भी उस वेजिटेबल में वेस्ट था चाहे वो पत्ते थे या कुछ थे यू कुड हैव मेड कंपोस्ट आउट ऑफ इट क्या आपने वो बनाया आप उसको यूटिलाइज कर सकते थे लेकिन आप उसको क्या करते हैं आप उसको सिर्फ सीधा थ्रो कर देते हैं दैट इज रॉन्ग दैट इज प्रसाइसली रॉन्ग तो आप जब उसको नोट करने लग जाएंगे कि आखिरकार मेरा कौन से पे क्या खर्चा आ रहा है तो आप कहते हैं वो होता है हमारा इनपुट आउटपुट एनालिसिस इनपुट आउटपुट एनालिसिस लो कॉस्ट अकाउंटिंग लो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आप क्या करते हैं आपने कहा कि सर हम लोग मटेरियल को नोटिस करते हैं सिस्टम को नोटिस करते हैं डिलीवरी एंड डिस्पोजल को नोटिस करते हैं मटेरियल के अंदर हम क्वांटिटी भी लेके चलते हैं कॉस्ट मतलब पर यूनिट कॉस्ट भी लेके चलते हैं और वैल्यू मतलब अमाउंट टोटल अमाउंट ऑफ मटेरियल भी लेके चलते हैं सिस्टम मतलब जो मटेरियल हमारा कन्वर्ट करता है को कन्वर्ट करता है फिनिश गुड्स वगैरह में वो भी हम कंसीडर करते हैं उसके ऊपर क्या कॉस्ट वगैरह लग रही है पूरा ध्यान देते हैं कि कैसे मेटेरियल कहाँ से क्या खर्चा करके क्या कैसे प्रोड्यूस हुआ और लास्ट डिलीवर अगर हो गया कस्टमर को तो डिलीवरी डिस्पोज हुआ तो डिस्पोजल उसको नोटिस करते हैं ताकि हमें पता चल सके कहाँ पे हमारी कितनी कॉस्ट वेस्ट हो रही है किस तरीके से कैसे इंप्रूवमेंट लाना है ठीक है केस भी पड़ा था केस में रिपीट नहीं कराना आप पढ़ लीजिएगा प्लीज फिर आपने कहा था थर्ड होता है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग हमने समझा था कि प्रोडक्ट की पूरी लाइफ साइकिल के अंदर पूरी लाइफ साइकिल के अंदर क्या क्या कॉस्ट है सबको कंसिडर करना है मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेके आपको क्योंकि जनरली हम डीकमिशनिंग को कवर नहीं करते डी हम छोड़ देते हैं तो डी भी कवर करके चलनी है याद रखिए लाइफ साइकिल में आपको हर चीज लेके चलनी है प्रोडक्ट की ताकि आप सही एनालिसिस कर सकें कि कौन सी कॉस्ट कहाँ पे लग रही है किस तरीके से लगनी चाहिए प्रॉपर कॉस्ट बेनिफिट आपको यह पता चल जाएगा ना वैसे तो आप अदरवाइज आप सिर्फ आप डिक्लाइन फेज तक ले लो कहोगे अच्छा प्रोडक्ट में तो अच्छा खासा प्रॉफिट है लाइफ साइकिल में क्या पता कॉस्ट बहुत हाई है तो अगर आप उसको कंसिडर नहीं करेंगे बाद में आप रोएंगे हम्म क्योंकि वो भी तो एक तरीके की कॉस्ट है लास्ट है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आपने कहा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या है मैंने क्या एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर आपको पता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होती है यहाँ पे हम क्या करते हैं

उसको डिटेल में एनालाइज करके उसको प्रोडक्ट के ऊपर चढ़ाते हैं ठीक है वो जनरल ओवरहेड की नहीं है वो प्रोडक्ट के ऊपर चढ़ती है ताकि पता चल सके किस प्रोडक्ट पे ज्यादा कॉस्ट लग रही है किस पे कम हमने इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी किए थे और मैंने आपको बताया था हमें मेनली ये फोर कॉस्ट ड्राइवर्स याद करने हैं इनको पेपर में लिख के आना है पहला वॉल्यूम ऑफ एमिश एमिशन दूसरा टॉक्सिसिटी ऑफ एमिशन थर्ड है एनवायरमेंटल इंपैक्ट और फोर्थ है आपने कहा कि सर किस तरीके से हम ट्रीट कर रहे हैं मिशंस को ठीक है और लास्ट हमने एक केस किया था जिसमें एबीसी है एक है कंपनी जो एनवायरमेंटल कॉस्ट के बारे में एनालाइज कर रही है कि उसके एनवायरमेंटल कॉस्ट किस तरीके से वाटर कंजम्पशन उसका किस तरीके से वाटर पे हम टू टाइम्स एक्सपेंडिचर करते हैं एक वाटर को परचेज करने पे एक वाटर को वेस्ट करने परचेज करने पे गवर्नमेंट को पे करते हैं वाटर के लिए आप जब डिस्पोज ऑफ कर रहे होते हैं तो म्यूनिसपैलिटी को पे करते हैं कि यार ये सीवेज सीवर, सीवर वगैरह का है तो आपने आपको क्या करना चाहिए रेन वाटर हार्वेस्ट करना चाहिए आपको री करना चाहिए रिवर्स ऑस्मोसिस वगैरह लगाना चाहिए ताकि वाटर का वेस्टेज कम से कम हो सके वही वाटर ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज हो और वेस्ट कम से कम हो एनर्जी का भी सेम होना चाहिए सोलर एनर्जी या इस तरीके की एनर्जी होनी चाहिए जो कि आप रिन्यूएबल एनर्जी होनी चाहिए तो आपने कहा इससे इस एनर्जी इस के लिए भी सिमिलर सिचुएशन होनी चाहिए आपको कम से कम एनर्जी यूज करें आप

मतलब renewable, consumable होने चाहिए ये नहीं कि आपने one time खरीद के फिर फिर कर दिया फिर से खरीदा ज का एग्जाम्पल लिया था और हमने था कि समझाट को रिफिल कराना बेटर टू, आप बार -बार And so on, इसी तरीके से या फिर आप रिन्यूएबल जो आपकी रिफिल्ड कार्टरेज मार्केट में मिलती है ना रिफरवि वो खरीदिए इसके साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया था इसमें आपने लास्ट में क्या पढ़ना है खुद उस समय मैंने पढ़वाया था आपने क्या करना है बेनिफिट्स वगैरह आपने जो आखिर की लास्ट टू पेजेस है ना ये आपने खुद पढ़ने हैं। इसके साथ हमारा रिवीजन समाप्त हो रहा है अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है इंट्रोडक्शन स्टेज का कोई एग्जाम्पल आप अच्छा आप आप खुद बताइए ऐसा कोई प्रोडक्ट जो कि आपने सिर्फ सुना हो जो नॉर्मल वर्किंग में ना हो जैसे जैसे मैं आपको हल्का सा एग्जांपल देता हूं आपने आयरन मैन का देखा है आयरन मैन कैसे उड़ता है यू करके उड़ता है आयरन मैन आई होप आपने आयरन मैन देखा होगा उसी तरीके से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं जो कि मार्केट में इंट्रोड्यूस हो गए हैं जिससे आप जिससे एक पर्स कर, 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 मतलब ये सब चल रहा है मेरे को पूरी तरह नहीं पता जिससे लोग रिवर तक पार कर रहे हैं सब कुछ करके दिखा रहे हैं कि देखो ये चीज पॉसिबल है हुँ? देखा है आपने आयरन मैन आयरन मैन नाम का एक करेक्टर है अगर आपको मार्वल कॉमिक्स के बारे में पता हो तो एक आयरन मैन नाम का करेक्टर है जो कि हाथ से लेक से तो बिल्कुल सिमिलर चीज अक्षय कुमार भी गया था उसने भी उसको ट्राई किया था आई थिंक 2019 या 20 में गया था समझ में आया या नहीं क्या बोल रहा हूं मैं या फिर आप टेस्ला की इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कार तो काफी पॉपुलर हो गई लेकिन कुछ टाइम पहले जब चालू हुई थी तो आप कहते कि वो इंट्रोडक्शन स्टेज में थी टेस्ला की अब नहीं अब अब तो वो ग्रोथ स्टेज पे आती जा रही है